हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम एक सुंदर जो मंदिर है हमारे यहाँ पे, उसके दर्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ से कैसा दिखता है वो मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा। और सुबह सुबह ठंडा मौसम तो है, लेकिन अभी सूरज निकल चुके हैं और सुबह के 8 बज चुके हैं। तो हम घर से निकल चुके हैं और हम अभी अपने गांव के निरंकार देव जी के मंदिर में हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और यहां से हम ऊपर जाएंगे टैक्सी में और टैक्सी से हम सीधे निकलेंगे देवा माँ के मंदिर में। और देवा माँ का मंदिर कैसे दिखता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, ये हमारा इलाका और यहां से ये मंदिर, सुंदर व्यू। यहां से इतना अच्छा पर्वत का जो एक शेप बनता है, बहुत अच्छा नज़ारा जो आप देखें। मंदिर शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हल्का सा स्पॉट यहाँ पे जो है तकरीबन यहाँ पे है। इस ये जो आगे परंगसार हिल रहा है जूम करके, ये व्यू। और यहाँ आज हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ जाएंगे। तो काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ से मशक्कत में, वीडियो बनाता रहूँगा, आप देखते हैं। गाइस, मिलते हैं आगे। और यहाँ हम गड़कोटों में उतर चुके हैं और अब हम यहाँ से नापेंगे खड़ी चढ़ाई। ये रहा रास्ता और ये हमारी टीम। और काफी खड़ी चढ़ाई। और यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का रास्ता ऊपर के लिए। और हम कितना टाइम लेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। और हम अभी काफी ऊपर जाएंगे, आधे रास्ते में हैं हम अभी। ये देखिए, लगे हैं रास्ते भक्तगण। और ये पहाड़ी हमने पूरी चढ़नी है ऊपर। और अभी हमें मात्र 10 मिनट हुए हैं तो ऊपर गांव पड़ता है सतगरिया। तो सतगरिया से होके हम ऊपर चलेंगे। और ये हमारे साथी, दस 15 मिनट में इनको थकान लग चुकी है अभी। और एक छोटा सा पड़ाव पार किया है और यहाँ पे कुछ भक्तगण हमारे, जो हम उनकी टेंटें फिस हो रही है। और ये देखिए खड़ी पहाड़ी। इतने डेंजर पहाड़ यहाँ पे, इस चोटी के ऊपर हमने चढ़ना है, उससे भी ऊपर। तकरीबन 50 मिनट हमें होते हुए। ये यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम कर लो। रुक जा रे पांच। और ये चढ़ाई
ये हम गजेरे के रास्ता काफी तंग चढ़ाई यहाँ पर सीधे नाक को टच करती हुई और लगातार यहाँ पर खुट मुंड हाथ घुंड देखते हुए यहाँ हुए ये भक्तगण। घनघोर जंगल के अंदर यहाँ पर एक गुडिंडा वाले भाई साहब हमारे काफी कठिन रास्ता काफी तंग रास्ता यहाँ पे अरे हमारे प्रेम प्रलास जो अभी कमर में हाथ रखते हुए देखते हैं इनको भी थकान लगी। इनको लगता है अभी थकान महसूस हो रही है क्यों क्यों बगम लंबे तब कैसे क्यों जय माता दी जय माता दी सभी भक्तों। हम तकरीबन आधा घंटा और लगेगा यहाँ से, आधा घंटा दूर है और ये जो पहाड़ी सामने दिखाई दे रही है तकरीबन यहाँ पे हमें पहुँचना है। यहाँ से ऊपर फिर सीधा सीधा तकरीबन करचिप में जाएंगे और काफ़ी टाइम लग चुका है हमें अभी तक, तकरीबन 2 घंटे पूरे हो चुके हैं हमें। और व्यू ऊपर का या ऊपर से कैसे दिखाई देता है नज़ारा मैं आपको ऊपर से ही दिखाऊंगा। फिलहाल चढ़ाई चढ़ते हुए यहाँ पे सारे हमारे साथ हमारी टीम फिर ऊपर आपको व्यू बता दूँ। हम तकरीबन अभी काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं, अभी तो थोड़ा सा एक पहाड़ी और यहाँ से व्यू देखते हैं। ये देखिए इतनी हाइट में हम पहुँच चुके हैं, कब काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, काफ़ी तंग तेज धूप यहाँ पे और अभी है हमारा आधा घंटे का रास्ता। और काफी सुंदर व्यू यहाँ है, अभी है थोड़ा सा 10 मिनट का रास्ता। काफी ऊपर पहुंच चुके हैं हम और ये काफी टॉप व्यू में हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ तकरीबन अब सीधा रास्ता, और अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं चोटी के ऊपर जहां से मंदिर दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा भी 2 मिनट का रास्ता यहाँ से और ये व्यू देखिए यहाँ से कितना सुंदर नजारा पूरे गढ़वाल का। एक टिन शेड यहाँ पे और एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे। सुंदर हिमालय का नजारा
काफी बड़ा मंदिर काफी दूर, और अभी हिमालय पर्वत का नजारा दिखाएंगे। ये देखिए ये नंदा देवी पर्वत श्रृंखला, और ऊपर से और टॉप में दिखाऊंगा पूरा नजारा आपको। और अब हम तकरीबन पहुंच चुके हैं बिल्कुल दो कदम पे, ये हमारे स्टेप, ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। और काफी टॉप में ये जगह ये मंदिर बना हुआ, क्या सुंदर। जय माता दी बोले जाए सभी, और सभी टीम के सभी मेंबर्स का यहाँ पर मुंह फिर चुका है। अभी हमारे साथ के कुछ नौजवान हमारे साथ ही थे, वो तो आगे पहुँच चुके थे, लेकिन हम बूढ़े बुजुर्गों के साथ यहाँ पे आए। जय माँ रसल दीवा भगवती, माँ दीवा भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। फिर नजारा मैं ऊपर से दिखाऊंगा आपको। और अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में, और ये यहाँ पे जय माता दी। पूरा हिमालय का व्यू दिखाऊंगा यहाँ से, ये तकरीबन हमारा हिमालय यहाँ से शुरू होता है, ये और ये पूरा, ये देख लीजिए पूरा जो नॉर्थ साइड में ये पूरा हिमालय का व्यू यहाँ से दिखाई देता है। शायद ही इतना हिमालय कहीं और से दिखाई देता होगा। देखिए काफी चमक धमक, और यहाँ से हर एक पहाड़ी छोटी नीचे दिखाई देती है। और हमारा गांव तकरीबन मैं दिखाऊं आपको, जहां से मैंने आपको बताया था यहां पे तकरीबन है हमारा गांव, इधर ये हमारा गांव रहा, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर हमारा गांव। यहाँ पे तकरीबन हमारी शूटिंग है, यहाँ पे काफी सुंदर नजारा जो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे शायद। बड़े बड़े पहाड़ था दीवा मंदिर का व्यू। और इन सभी को भूख लग चुकी है अभी, पेट में इनके चूहे दौड़ने लग गए। उबे उन
और यहाँ पर की ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 2600 मीटर पे है ये मंदिर स्थित, इसका नाम दीबा भगवती है, दीबा। और ये था हमारा आज का टूर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो आपने एंजॉय किया, हमने तो एंजॉय किया ही। यहाँ से थालीसरण मार्केट भी दिखता है तकरीबन, क्या तो ओके गाइस, लेट्स सी।